मजा नहीं आ रहा रे भाई। वाह इसकी तो भी दावत रहना रे, बारात वारत में नाच के बहुत दिन हो गया। अगर आप मिली तो मैं इस्लाम भाई इस्लाम खैरियत भाई मजा देने आ रहा हूँ खाली खिराक। अरे कल एक दावत में गया था रे भाई, क्या नाच रही क्या नाच रही, देख के उसकी रियाज की शादी याद आ गई मेरे को। क्या क्या नाच रहे रे भाई, क्या नाच रहे दोस्तां, खाली देखने का था रे भाई। भैया खैरियत क्या। अरे यार वो सब पर्सनल चीजा नहीं देखना, वो मेरा रसम हुआ था याद है 2 महीने पहले हुआ था। शादी कब थी? दिसंबर में थी। और दिसंबर में थी, मगर इमरजेंसी में क्या होगा, 1 महीना पहले हो गई शादी। ओ क्या बात है, मुबारक मुबारक का बैगन मुबारक यारो। एक मिनट एकदम सामग्री को आ गए भाई अर्जेंट। वो जो हमारे होने वाले बेगम है, आपके होने वाले भाभी माशाल्लाह, तो उनके दादी को अचानक कुछ रोग उड़ गया, बीमारी हो गई समझो। तो उनकी ख्वाहिश है कहते कहते जाने से पहले पुत्री की शादी देखते कहते हम आपको परेशान कर रहे। अरे जानदारो अच्छी बात है ना, पहले हो गए तो होने वाली तो थी क्या। अब वो ताने बोले सीरियस है, ख्वाहिश है कहते जाने से पहले पुत्री की शादी देख लेते हैं। और कैसा बोले मसला वेंटिलेटर पे बोलो ना, अपन गए नहीं मिले नहीं तो ऐसा है। क्या बोलते भाई, चलो अच्छा हुआ मसला नहीं है भाई। देख अपना पूरे 20 दोस्त है, अपना ग्रुप जबरदस्त, एक जैसी शेरवानी एक जैसा सूट, तू सिला देना देख रहे भाई। अरे क्या बात कर रहे यार, अरे बाजे वाले दिखेंगे ना, कैसा दिखते यार थीम है भैया, एक जैसी शेरवानी एक जैसा सूट, 20 जने पूरे अपने दोस्ता। अरे यारो यार मेरी शाह शेरवानी के लाले पड़े हुए भैया। अरे तू कंगले का मान अको कर रहे भाई, देख सुन रहे भाई, पूरे एक कलर की पहनेंगे उसको अलग पहनेंगे, बीच में खा रहा है तो भी जबरदस्त दिखता और इसी तरह था वो दूल्हा अलग ही पहनता, दोस्तों अलग पहनते, सोने पे सुहागा, अपन पूरा सोना ही नहीं सुहागा, कैसा रहता भैया। देखो बात को समझो यार, उतना पहले परेशान रहता है भैया। सुन वो ये सुन के तेरा दिल खुश हो जाएगा। 5 फॉर्च्यूनर, 5 थार, 5 BMW, सामने तेरी जैगवार, उसमें बैठे हुआ रहेगा तू। अच्छा लम्बा जाएंगे अपन, 5 किस्म के बाजे रहेंगे अपने, फोन रख बात कर रहा हूँ इधर में बराबर। 5 किस्म के बाजे रहेंगे पीछे गाड़िया गए तो लोग बोलना अरे क्या मिनिस्टर जा रहा है क्या बोलना, सुनने में मजा आ रहा है। महल्ले में नहीं रहना, वैसी दावत करेंगे अपन। और भैया अपने को किंग कोहिनूरी ले लेगा है, बात खत्म। थार अथर को देंगे, कई बोलता बैठ के चलाता उसमें। हाँ भाई बहुत महंगा है जी कोहिनूर। अरे यार अब यहाँ पर भी सस्ता महंगा देखते यार, शादी एक बार होती, अब वो महंगा है वो सस्ता, यहाँ भी पैसे बचाता रे भाई। अरे धूम करेंगे भैया, 50 सीजा छोड़। अरे वो सब छोड़ रहे भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा, पान खा के बात करेंगे, चलो चल 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 ऐसा धूम करेंगे। अरे गाड़ी निकाल रहे भाई, पैदल चलना आती धूप में, क्या बात कर रहे। चलो भैया गाड़ी निकालो, अरे मैं नहीं बैठा रही, चलो चल देखते जरा नौशा साई बैठे क्या, देख लो यार तुम काटने को मार लग गया तो। अरे भाई मैं, अरे तू हौले बात करते रहता क्या रे कोई, बस बस का घुसा देते यार। आगे लो लोगों को मुश्किल होती ना। पकवान पकवान का किसको बोलता रे, पकवान का किसको बोलता। अरे जरा पान तो खाने दे रहे भाई, डॉक्टर साहब जरा दवा दीजिए प्लीज, मेरा भी एक पान दे दो सालार साहब, मेरा भी एक 100 बेलगम डालो। अरे शुक्रिया भाई, पैसे भैया देते। अरे भाई आपकी शादी है ना भैया, यहाँ पर तो संभालो भैया। अरे यारो अब पूरे शादी खाने का खर्चा मेरे को संभालना है, शादी भी तुम्हारी थे तो जरा यारो कटरे से अरे को पूरा नहीं काटना भैया, खाने से आया पकवान का क्या करेंगे, क्या रखेंगे बोलो। अरे पकवान में तो क्या करेंगे, तीनों बड़े बड़े बवर्चियों को ले लेंगे, कौन अपने शाहनवाज साहब, उनके हाथ की जबरदस्त निहारी की बात ही नहीं आती, मखदूम साहब की बिरयानी की तो बात ही नहीं आती, और छोटा पाशु साहब उनके हाथ का डेजर्ट और सजाने का। अरे यारो तुम्हारा कुछ शर्म है यारो, आज तक कोई भी नहीं रखे 3 बवर्चियों को। अरे अकमर अरे वो बात कराना तू भाई, भाई। बात करा, आज तक 3 बवर्चिया कोई रखा ही नहीं। अरे अरे भाई लोगों को खरीदने का चड्डी बनी बैठना पड़ता, बहुत महंगे बवर्चिया है, शहर के नामचीन बवर्चिया है, कैसा लाते हो भैया। सुन वो छोड़, फटाखे जो रहते फटाखे, अदा ऐसा लाइन लगा दी फटाखों की, मार लेते तो लाइटा भी लगाएंगे, आसमान पूरा क्या कोसे कलर का हो जाना, लाइटा लाल हो जाना आसमान, रात के टाइम पे आसमान लाल लाल पीला दिखना आसमान 5 मिनट तक। चाइना के पटाखे रे वो, चाइना के बोलते टुमला लगा रहेगा तुम्हारी तरफ से ये सब खर्चा। अरे हमला कहीं को लगाते रे भाई, हमारी शादी थोड़ी है तेरी शादी है। अरे टुमला बैगन के प्लान दे रहे यार, उठते पैसे नहीं है मेरे पास, बात को जबड़ना खाली फुगा खर्चे करा रहे यार टुमला, मांग के खाते रहता क्या रे बैठ रहा
भाई देखो अच्छा मशवरा दो, एक महीने में कैसा करेंगे? अरे अच्छा मशवरा का तेरा प्लान सेट है पूरा, अभी तो मशवरा का क्या है? भाई देखो मेरे पास पैसे, नौशा के नाम पे, नौशा हमारे मिलिए, नौशा से मिलिए। मैं कह रहा शादी से पहले बर्बादी कर दे रहे तुम ना पैसे। अरे अरे तुम पान लगाओ, भाई की चाली में पान लगाओ, पान ऐसा लगा के तुम ऐसा आग लगा के खिलाना है था। अरे पान बोले तो आया था मेरे को, औरंगाबाद का मशहूर पान है ना वो। अरे यारो तुम कारण बैठे यारो, बात कहाँ चोरी, बात कहाँ की निकाल रहे तुम? अरे यारो शादी है, गुस्सा भी दोस्त मिल गया, गुस्सा भी करो बोले तो मैं कह रहा पान लगाओ चाय लगाओ। अरे यारो उससे टाट के हिसाब से करना, यारो पैसे नहीं है क्या घर बेचू? अरे हरे नहीं है तो घर बेच, मेरी इज्जत प्यारी नहीं है तेरे को? घर तो जिंदगी में 10 बार बना सकता, शादी 10 बार होती तेरी। पॉइंट भी नोटेड बोल के लिख ले, शादी जिंदगी में एक बार होती भैया, चार लोग बोलना। अरे शादी बोले तो रजाक की शादी थी रे भाई, नस्ल याद करना पूरी। घर क्या है रे भाई? अरे कोई कोई आगे पूछता भाई तुम्हारा जाति घर है क्या, किराए का घर है क्या? तेरे घर 80 लाख रुपए आते तेरे घर को, आराम से तेरी शादी निकल जाती बाप पूरे पैसे में। सुना लाख रुपए बचते समझ तेरे को अभी लाइफ उठा रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे रजाक भाई की शाम बैठ रहा है, कहीं टमाटर कर रहा है भाई। मैं गुप्पट में शादी करके हल्लू में निकाल लेने के चक्कर में हूँ भैया। हर जगह गुप्पट में दिए सो तुम, अब क्या शादी में भी गुप्पट देते? पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो पैसे का इंतजाम भी बता दिया ना। अरे भाई तेरे को आप क्यों पैसे नहीं है बोले तो पैसा? भाई कितने होते? 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, ज्यादा क्या होता? यहाँ को भैया मारो, यहाँ को भैया लोगों को मारो शादी बोल के तुम ना, तुम लोग बोल के गलती करा रहे भाई। टमाटा करे चुप चुप के शादी करने का था, देखो लोग कितनी इज्जत करते, माता बेटी करा रहे शादी है भाई की। हाँ बैठ रहे तुम लोग, देख मैं क्या बोल रहा है भाई, तुम ना वो सब बैगन के मशवरे नको दियो, क्या बोल रहा सही मशवरे दियो। अरे यार करेंगे रे भाई, अरे तेरे को सही मशवरे दे रहे रे भाई, गलत मशवरा क्या दिए तेरे को? एक चीज भी गलत बता दो मेरे को। अरे यारो तुम लोग 5-5 गाड़ियां रखो, पटाखे फोड़ो, लड़ियां लगा देता हूँ। अरे क्या यारो सामने वाले की इस्तेदाद देखना। अरे अब इस्तेदाद नहीं देखते रे शादी में, इस्तेदाद कोई भी नहीं देखते, पुरखों के जायदाद बेच के शादी करते तेरे को मालूम नहीं मालूम? अरे हमारे पुरखों के पास जायदाद नहीं है रे भाई, बचा कुचा एक घर है वो भी बेच दो बोल रहे तुम लोग। अच्छा जान दे रहे भाई, दूसरा ऑप्शन क्या है तेरे के बोल? देख भाई दूसरा ऑप्शन क्या भी नहीं है, सीधा सीधी बात सुन। अरे अगर सुन रहे भाई तू, सुन भाई मेरा सुन रहा है नहीं तू? देख मेरे पास है, मेरा इरादा 2.5 लाख में सब लपट देने का है, शादी भी वलीमा भी। कितने में? 2.5 लाख में। मेरे पास है 50,000, वो भी 1 साल से जमाया हूँ। अब तुम लोग क्या मदद कर सकते बोलो? तू 1 लाख दे, तू 1 लाख दे, 6 महीने 1 साल में दे देता हूँ। तू शादी कहीं को कर रहा है फिर? तेरे पैसे नहीं तो शादी कहीं कर रहा तू? अरे ये क्या बात, इज्जत गिरा दिया हो गया मार्केट में। देख इन्हें बोरा सो सुन समीर, 50,000 एक साल से जमाया सो कहते 2 लाख की जरूरत है कहते, तेरे को 2 लाख रुपए दे तो क्या तू 5 साल के बाद देता रहे हमारे को? अरे भैया चिट्ठी उट्टी डाल के 6 महीने में फिर देता हूँ। शेरी बैंड भी नहीं आता। अरे बैंड वैंड छोड़ ले, 2-2.5 लाख में शादी वाली में सब करना है कहते, इसको कहाँ से होता है? भैया 20-25 हजार का शादी खाना ले लेंगे, सुनो तुम, और 1-1.5 लाख का खाना कर देंगे, बच्चे तो पैसे बचते ना उसमें, जो भी जोड़ा वोड़ा रकम वकम महर वहर कर देगा, किस्सा खत्म करना है भैया। अरे वो दीवाने 50,000 रुपए का तो शादी खाना लोग छट्टी छिल्ले में ले ले रहे, बैंक ठाला ले रहे, देखो 25-30 हजार में खुदा शादी खाना मिलता रे? मिलाते भैया। दाल खाना खिला था तू? नहीं भैया मैं बघारा खाना डालता सोचा था। अरे जाने रे भाई, कर लेने काम है कहते ना कर ले रे भाई। भाई देख हमारे घर तो पैसे दिए सरकार नहीं है रे भाई, तेरे को तो हमारे हालात मालूम है। फिर कैसा भैया, फिर कैसा करेंगे? पूछ रहे भाई रिश्तेदारों से पूछ तू, देते यार लगा। अब देख भाई पूछ तू। खैर हमारे चाचा जरा बहुत पैसे वाले हैं, उनको बोलता हूँ। राजा का बेटा बोलने के बाद यार नहीं देते बाबा, ये जमाने में कोई भी काम में नहीं आता। सुने रिश्तेदार यार जरा फोन मारो ना, ठहरो मारो। अरे लो काम में आते रे सूद देने वाले, वो लोग आज काम में आते। हेलो अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ दादा वो मालूम है ना, वो शादी जरा 1 महीना पहले हो गया। हाँ 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 बोले शायद तो पा ओ जरा एक चार चार कितने पांच चार
5 लाख रुपए की जरूरत है चाचा, अगर आप दीदी तो मैं चिट्ठी डाल के दे देता था। ठीक ठीक बता देखो मैं परेशान हूं बोल रहे हो ना किसके एहसान को कर रहा सारी पैसे नहीं है तो कई को कर रहा हूँ। हम ना भी वही बोले तेरे को, कौन पैसा देता रहे बोलते रहे को, कौन समीर बोल कोई है इसको पैसा देने वाला कौन, कहाँ से इंतजाम करना रहे भाई पैसों का, फिर तुम लाइक बोलो कहाँ से करूँ मैं इंतजाम, बोलो घर तो नहीं बेचता है, घर नहीं बेचता अभी बोल दे रहा हूँ। देख रहे बाप तेरे को रास्ता एक ही है तेरे को पैसे होना बोले तो, कहाँ से बाप सूद पे ले ले तू, हाँ इंटरेस्ट सूद पे, ये लोग बाप अपने से नाजुक वक्त में काम में आने वाले। अरे ना यार मगर 1 रुपया लेके 10 रुपए बनना पड़ता, बनना पड़ता फिर अब तुम्हारे रस्ते में तुम्हारे देखो अगले महीने में मेरी शादी है आपको आना, इन लोगों भी बोल रहा था देखो माशाल्लाह मुबारक भाई, बहुत कर रहे क्या है जरा पैसों के रास्ते मसले में है भाई, सही है हमारे भाई यहाँ पर इंतजाम करा दिए बोलो भाई अच्छा करे भाई। वो अपने बाबागंज से 5 लाख रुपए मिट्टी पे ले ले रही, जबरदस्त शादी कर देंगे उसमें, क्या बोले बाबा है ना जी अपना, हाँ उसकन से 5 लाख रुपए मिट्टी पे दिला दे रही, सूद पे सूद इंटरेस्ट इंटरेस्ट कई को भाई इंटरेस्ट पे कई को भाई, अरे फेड़ ले सकते बोल तो, अरे भाई अपनी हैसियत के हिसाब से काम करना भाई, पूरा सुन्नत तरीके से काम करना, मस्जिद में जाना निकाह करना, जितने जितनी अपनी हैसियत है वो हिसाब से दावत देना अपन लोगों को। अरे दुनिया वाले दुनिया के बातें करते हैं भाई, फौचर में जाएंगे उधर जाएंगे ये लेंगे कोहिनूर लेंगे, ये सब दुनिया वालों के बातें नको सुनो रजाक भाई, तुम अपनी जितनी हैसियत है ना वो हिसाब से कर लेना, मालूम है ना। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, सुन रहे लगा गली भर के पटाखे लगेंगे पीछे 5 जाकर पीछे 7, अरे दुनिया का तमाशा बड़े भाई, अकेला कमाने वाला है भाई, घर बेचेंगे बोल रहे थे लगा, नहीं नहीं भाई इनके बातों में नको आओ तुम भाई, मैं वही बोला सूट क्या है दीमक के जैसा खा रहा था जिंदगी में पूरी लानत आ जाती, नको बोले तो सुन रहे ना भाई, भाई भाई बहुत गलत काम कर रहे, बंदा अच्छा शरीफ बंदा है वो, उसकी हैसियत के हिसाब से शादी कर लेने दो उसको, तू जा रहे यहाँ से जा भाई, जोर का टाइम हो रहा, चलो आप भाई चलो भाई नमाज़ चलो भाई, इनके उनके बातों में नको भाई, तुम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से काम करो खत्म, दुनिया वाले 100 बात बोलते मस्जिद में निकाह करो हलीम पे दियो दावत भाई, 10 लोग खा के नाम रख के जाते भाई, तुम ऐसे दीवाने लोगों के बात नको सुनो, और ऐसे लोग तो और हराम कह रहे थे समझे आप, मैं भी वही बोला भाई सुन रहे घर भेज देंगे वो कर तमाशे कर दे रहे, मैं बोल रहा हूँ ना यार अपनी इस्तेदाद के हिसाब से करना बोले तो भाई के बात कर रहे यार तुम, चलो भाई चलो जोर का टाइम होना, चलो शादी एक बार होती है मगर क्या सुनने तरीके से करना, सूब लोग ये बोलते वो बोलते, क्या 4 लोग क्या बोलेंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसा क्या बोलेंगे, भाई सब लेना देना नहीं रहता अपने को, अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर लेना पड़ता है समझे ना, बात तू परेशान रहे तो क्या लाके खाना देते, अपन अपने रिश्तेदार से करना, खर्चे वर्चे करके नहीं करना, ये बोलना चाह रहा था मैं तुम लोग भाई, भाई चलो जान दो चलो भाई, तो भजन में मिला रहे तुम ना, चलो 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 भाई चलो, रेस्पेक्ट जी वो मंतशा इज्जत का देने और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, तुम लोगों का देख रहे यार, चलो अभी अज़ान की नमाज की चलो इज्जत का, अरे आबा भाग रहा था चलो, पीछे लगा दो पटाखे रखेंगे कहते, अरे भाई तू कर ले रहे भाई शादी ना, तो बाद आ रहे तेगू ना इंटरेस्ट ले लो, मस्का लौटपना कर रहा, अरे